कुछ चला सके, हमारे बच्चे तालीम पा सके, आगे बढ़ सके, हमारे बिजनेस इनके बिजनेस से सफर करेंगे, सारा कॉन्टिनेंट पे है वो है जितना हम भाईचारे से दूर हो
आप जो भी जाएं, मैं आपको भी बताया करता हूँ कि हम आए और बस बस से बैठे हुए आजकल हमारी बहनों और मानों जिन्हें घर में भी काम करना पड़ता है उनके लिए तो ज़्यादा ही अच्छी भी है उनको भी देखना पड़ता है फिर भी आप लोग खुशी जाए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह आपको सलामत डॉक्टर अनुबुल्ला साहब मोहज़्ज़ फ़ातिह नज़रा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ एक आध बात जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये कि 1875 में पूरे बरेसगीर में मुस्लिम्स की जो तालीमी सतह थी उसमें 20 लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे जिसमें 17 ग्रेजुएट और 3 एमए जब सर सैयद मरहूम को ये ख्याल आया कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर शायद हिंदुस्तान में एक बड़ी कौम जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं उनके क्या गुजरी सबको मालूम है इसमें कोई ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं लेकिन एक बात मैं ये कहूँ कि 68 उस ज़माने में खतरा की बड़ी कीमत होती थी और बड़ी कदर मंजिलत होती थी 68 फतवे जो बड़े बड़े अदारे थे मुस्लिम के उन्होंने उनको दिए कि ये मुसलमानी नहीं है और सबसे बड़ा फतवा जो काबा से आया इमाम काबा ने दिया कि उनका स्कूल मिसमार कर दिया जाए और उनको कत्ल करने वाले लास्ट वर्डिंग जो थी वो ये थी कि साहब सर सैयद का कत्ल करना वाजिब है और इसका स्कूल जो है वो दरसा मिसमार कर रहा है कुछ इसी तरह के हालत ये मिसमार वाली हालत तो नहीं थी लेकिन कुछ इसी तरह के हालत जम्मू कश्मीर में जो है ये बहुत बड़ा तबका है जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया इसका भी ताल्लुक डॉक्टर साहब के साथ है ये था कि जब मैंने ग्रेजुएशन की उस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 ग्रेजुएट अब एक तिहाई है 2 तिहाई है उनकी आबादी है या नहीं है अलग मामला है लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में जो ये सिलसिला था कि सब 2 ग्रेजुएट और गिने गिने 10 मैट्रिक अगर किसी तबका की तालीमी ये पोजीशन होगी तो उसका बनेगा उसका कोई फ्यूचर नहीं जब मैं अलीगढ़ में था मेरे यहाँ साथी मुझे नजर आ रहे हैं जो अलीगढ़ में हमारे साथी तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर था कि साहब अगर सर सैयद उस जमाने में लगभग 500 रुपया तनख्वाह पाते तो आज से 700 साल पहले 500 का मतलब ये 5 लाख रुपया वो सब उन्होंने त्याग कर करके सारा सिलसिला छोड़ के और वो उन्होंने एक महाल शुरू किया और उसका नतीजा ये हुआ नतीजा कि उनकी मौत जो 25 साल बाद हुई 1898 में उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में कम से कम एक डीसी या कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर रहने के जाने वाला मंजर का शुरू होते ही
कोई आदमी मंदिर में नहीं बोल जाता। तो जब मैंने नौकरी जारी की तो बड़ी बड़ी बात थी जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू प्रोविंस में हमारे दोस्त बहुत थे, लेकिन जब मैंने देखा इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे तो मुझे लगा कि तो सरदार साहब आ ही आ रहे हैं, इसका मामला क्या हो, ये लोग कहां जाए, इनका पुरसाने हाथ कौन है। तो फिर एक लैन में क्या आया कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, और ट्रस्ट बनाया जाए और इसमें तो सब करिए हो, तो अलीगढ़ के नक्शा तो जानवर के उठते हो तो सभी के लिए ऊपर हो, क्योंकि एक चमका करिए तो आप कोई ट्रस्ट बना नहीं सकते, कोई अदारा बना नहीं सकते, और उसको बढ़ाया जाए आगे जाए। ट्रस्ट बनाया ट्रस्ट के वो तो बड़ी उसको दिखते नहीं कि कौन बने कैसे बने कौन आदमी आए, वो तो किल्लत थी हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की किल्लत थी, लेकिन नौजवान ऐसे थे जो ये करना चाहते थे, जो टीम मैंने सिलेक्ट की वो दिन रात ये काम करना चाहते थे, उनका अपना जाति कोई कोई मकसद नहीं था। हमने कहा कि हमने पहले स्कूल शुरू करो, हमारे हालत ये थी कि हम यहाँ हिमालय में गए, हमने कहा कि आप हमारे स्कूल में दाखिल हो जाइए, हम यहाँ स्कूल बनाना चाहते हैं। तो वहाँ के जो हमारे लोग यहाँ के रहने वाले थे उन्होंने कहा आपको क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या मिलेगा, तालीम का जो रिस्पांस था हमारी कम्युनिटी में वो ये था कि आप तो उनके सारे बच्चे बच्चे पढ़ गए, लेकिन पहला उन्होंने ये कहा कि आपको पढ़ना है, आपको कोई गवर्नमेंट से मान नहीं जाएंगे, कहा कि हमारी तो बात बनेगी नहीं और हमारी नजदीक नहीं हो। मैं माजरे मेहरबान की बात गया था हम कुछ करें तो मैं उनके पास गया, कुछ ऐसा लगा कि वो शायद तो पहले से भी यकीन नहीं करती थी कि ये कौन भी कुछ ऐसा बोल सकती है, उनका तजर्बा ज्यादा था। फिर उन्होंने दो बार मुझे इस बार पूछी आप क्या है क्या करते हैं कहाँ से, तो कहा मैं आऊंगी और स्कूल का जो शुरुआत है 11 बच्चों को उसमें दो तीन उधार के लिए 11 बच्चे से हमने वगैरह मेहरबान को यहाँ लाया और उनकी एक तस्वीर ये है तो कोई नोट की तस्वीर है तो ये देखो मैं ये समझता था और हमारा यकीन था वो आबद थी वो नेक थी कि उनके उनका जो पहला कदम बढ़ा था, फिर हमने पीछे मुड़ गए बिल्डिंग बनी है, सेक्रेटरी के कुछ लोग हैं जिसमें मैं सुषमा चौधरी के नाम लेना चाहूंगा, वो शायद प्लानिंग में थी, मैं उन्होंने मेरे कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए, उन्होंने कहा कितने चाहिए, मनी जो है वो मौलाना आजाद औकाफ की तरफ से
जितना आपके अकाउंट में नहीं था हजार रुपये लगते थे। मैंने हमारे अकाउंट में पास दोस्तों को था पांच पांच हजार दस हजार रुपये लेके हमने ट्रस्ट बनाया। टोटल ट्रस्ट की जो बेसिक जो अमाउंट था वो 1,10,000 था। पैसा नहीं कोई मुलाजम नहीं चाहते लेकिन ये बात आगे की जरूरी है कि अगर डॉक्टर साहब को सोकर होना चाहिए। और मैं एक राज की बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मिस्टर वजीर यहाँ पे एक मेरे ख्याल तलब है कि वजीर वकील उसके भाई वो नहीं करता। मैंने कहा मुझे एस्टिमेट दीजिए, उन्होंने कहा 80 लाख की बिल्डिंग बनाई है आपने। मैंने कहा भाई हमारे पास आए 50 लाख रुपया है, 80 लाख में मैं क्यों करूँ। जो काम करने की हमारी स्पीड थी जो हमारे लोग ट्रस्टी से जो करते थे उनका ये काम हम खुद करेंगे। और जो काम बाजार में मार्केट में अगर 80 लाख का होगा तो वो हम 50 लाख में करेंगे, वो 40 लाख में करेंगे। ये सिलसिला जो है ये करवा रहा हूँ। फिर पूरा उसका प्रोजेक्ट था, छोटी सी हमारी लाइब्रेरी थी। टाटा कहीं गुजरते 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 किसी ने कहा कि ये सब भरा है, टाटा आ गया। अब उस दिन फ्राइडे था, फ्राइडे को ट्रस्ट बंद होता था, जिन्होंने उन्होंने देखा ये बोले तो बुझा नहीं, तो उन्होंने कैसे किया किसी कि ये कुछ नहीं ऐसे कर रहे हैं में बंद। मुझे सेकंड में जाते हुए डॉक्टर मिले, कहने का भाई वहां तो कुछ है। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये सारा प्रोजेक्ट ये नक्शा देख रहे हैं आप, ये लाइब्रेरी देख रहे हैं आप, ये बनाया इसमें उस जमाने में 25-30 हजार रुपया लगा। इन्होंने कहा कि आप मंगलवार को आर्डर करें। अच्छा जी मिस्टर करते नहीं, टाइम नहीं देते, मिलते नहीं, लेकिन मुझे दर्द दिल के दिल में था वो था कई जने मुझसे नाराज होते कि भाई तू फिर बंद की मेरे कहने मुझे तो फ्राइडे था तो बंद हो ना आप हमें टाइम में हमारे पास पता नहीं क्यों बंद हुई मंगलवार को। कोई टीम बिजलू साहब थे, कासर साहब थे, छबी साहब थे और कोई और साहब थे। मैं टाइम था तो बात गई और हमारे कोई दोस्त के बता दें हमने कहा कि सर ये हमारा प्रोजेक्ट है पर उसमें 2 करोड़ रुपए लगे। उनका 2 करोड़ लगना है तो हमने गवर्नमेंट को किधर लेना है, गवर्नमेंट को किधर लेना है। मैंने कहा 2 करोड़ में गवर्नमेंट अगर हमें 10-8 लाख रुपया दे देगी, 8 लाख रुपया तो बाकी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले लेंगे। तो डॉक्टर साहब अगर माफ करें मुझे उसके कहने में डॉक्टर साहब का फाइल भरी फाइल और वो बोलते नहीं कहने हमारे पास कोई पैसा नहीं। फिर मैंने कहा कि जनरल बड़ा इस फाइल को पूरा देखे तो सही, मार्केट में आया था लाइब्रेरी को देखा हमने जो वो देखा वो देखा वो देखा तो पर माने लगे कि ऐसा 50 लाख तो नहीं 60 लाख तो नहीं, मैं 50 लाख में दे देता हूँ। हमें चाहिए 50 लाख तो अगर पीआरसी ये कहानियां हैं कि कहानी मैंने कहा रहेगी पीआरसी को बताया। पीआरसी वो कर्नाटका के एक मिनिस्टर थे कल फिर उन्होंने उसको बीए लिखो और उसके लिखो कि 50 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ आप 1 करोड़ रुपया दे दो। चिट्ठी का ड्राफ्ट मेरे पास है तो मैंने ड्राफ्ट डॉक्टर साहब को दिया, डॉक्टर साहब ने दिया सिंह साहब को दिया और उसके बाद मियां सिंह साहब ने कोई टाइम नहीं लगाया। दूसरे दिन चिट्ठी रवाना हो हमें वहां प्रोजेक्ट भेजने में टाइम लगा और उसके बाद हफ्ता
डॉक्टर मेहरबान थे। मुझे नहीं लगता जब कभी यहाँ से ये गुजरे हो स्कूल में गए हो और नाम कंप्यूटर के बगैर कर देगा
पूरे एरिया को कवर करें ताकि मिलियन को कवर। बात करके आप कहने की मुख्तलिफ है वो ये कि पूरी जिंदगी में मैंने अपने लिए कुछ नहीं यूनिवर्सिटी के अलावा मौजूद है ना, मैंने कुछ होने दिया ना मैं खुद सोया, अपने लिए कुछ नहीं सोचा। और मैं मुतमईन हूं क्योंकि फिर आपने अपने लिए सोचा। अलीगढ़ एक तहरीक थी मदन मोहन मालवीय की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तहरीक थी, उससे पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ पूरे एक मशीन रहा है। एक तहरीक थी, तहसील की एक तहरीक थी, छोटू नाम की एक तहरीक थी कि भाई आप कुछ करो यार तो मामला बने। तो उसी तहरीक के सिलसिले से हमने जनरल बनाया, हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी में बॉम्बे से लेकर कलकत्ता तक टीचर लाए और ट्रस्ट में भी जो हमारे लोग काम कर रहे थे उनका अपना जाती बुनियाद पर उनको कोई जाती मफा देना था यहाँ से और ना कोई मफा दिया, एक ट्रस्टी बन गया। और ये लेकिन ये ट्रस्ट का सबसे बड़ा अगर मैं ये समझता हूँ और यहाँ ईमानदारी से बात मैं कह रहा हूँ कि अगर माननीय मेहमान तो ये बात आगे नहीं होगी। उसके बाद अगले हाल फिट हो गए, हुकूमत मिल गई, हमने सोने गाड़ी को पकड़ा, वो उनके आने में काफ़ी दिक्कतें पेश हैं। लेकिन आप एक तस्वीर देखी होगी कि जम्मू कश्मीर के सारे कैबिनेट मिनिस्टर और पूरा हिंदुस्तान के जो जितने लोग थे वो सारे वो है हमारे इशारे में डॉक्टर साहब कहने लगे तो उन्हें सारे हिंदुस्तान के बिल्कुल इकट्ठे कर दिए। मैंने कहा जनाब कुछ नहीं है, सरदार भी है और लोग भी है, काम खा में मुझे बताया और लोगों एक इसका इस्तेमाल हो गया। अब आज मैं क्या बात कहूँ और क्या न कहूँ वो ये कि लोग सफर है हो नजदीक है मंजिल, लोग सफर है हो नजदीक है मंजिल। सब कहते हैं आप कौन में शामिल हो अपने लिए कुछ आपके लिए आंखों के चिरागों में उजाले जा रहे हैं, आंखों के चिरागों में उजाले जा रहे हैं। आ जाओ के फिर देखने वाले में या शोक से लेकर प्रण आने के लिए जाओ, या योग से लेकर प्रण आने के लिए जा, हम देश का सपनों को संभाल रहे हैं।
या शौक से लेकिन पलटाने के लिए था, हम देख करके तो उनको समझा लेने करेगा। आज ही मैं ये रिसीव करता हूँ जनाब हमीद साहब।
भारतीय सरकार आला मुझे देश का जो भी तो हमेशा पूरे खुश के साथ नामे दिल में करते सुखने को मेरे की खिदमत अपने जैसे तैयार दे रहे हैं ट्रस्ट की जुमला अगरार तापस करेंगे ट्रस्ट के द्वारा हम लोगों के तस्वीर के पूरी कोशिश तस्वीर करेंगे ट्रस्ट के दारों में देहरान करेंगे ट्रस्ट के बाबतस सभी असार को एक टीम रिपोर्ट के साथ आगे लेकर बढ़ेंगे मैं अगर हम Thank you.
लेकिन थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। मैं स्टेज पर तशरीफ फरमा शख्सियात अदा करता हूँ। ये शख्स आपका मशहूर है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी देर तक इस फंक्शन में अपनी तशरीफ आदि से हमारी रौनक दूरदर्शन चलू आकाशवाणी चलू दूरदर्शन श्रीनगर आकाशवाणी श्रीनगर दूरदर्शन ये हम कितने थे बाकी चैनल पे और यूपी टीम है और कैलाश प्रोडक्शन जिन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ काम किया और प्रोग्राम और जितनी भी किसी आमने आए स्टेज वो आपके सारे प्रश्न खत्म होगी। नाम हम तो भी समाप्त करते ये एक और क्या है जो हम खुशी को अभी प्ले अभी प्ले किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि ये भी सुनते जाए। स्वीडन से आरफ महमूद कुसाना का सलाम कबूल कीजिए। मुझे दिली मुसरत महसूस हो रही है कि आज एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है कि हज़ारों मील दूर होने के बावजूद उनकी खिदमात का मैं मोतरफ हूँ और उन्होंने जो अजीम वहाँ काम किए हैं उनकी सदाए बाज दो मिनट का ट्रिब्यू एक तरह का इनके बारे में चले। सऊदी साहब से मेरा नाम मोहम्मद सलीम बेग है। मेरा ताल्लुक सरकार से रहा है बहुत देर तक, कोई 30-35 साल सरकारी नौकरी किए हैं। चौधरी साहब से मेरी मुलाकात कोई 45 साल पुरानी है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब ये DSP जम्मू सिटी थे। मैं हाल मैं मुलाजमत में दाखिल हुआ था तो उनसे मुलाकात है। उसके बाद ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। इनसे ताल्लुक ख़ानदान के साथ भी रहा, फैमिलीज़ के साथ भी रहा, मगर चौधरी साहब में जो एक बात मैंने देखी और जिससे मैं हमेशा मुस्तफ़ीद हुआ वो चौधरी साहब की किताबें पढ़ने का शौक़ बहुत था। वक्त कम है बता नहीं पाऊँगा। मैंने राजभवन गांधी की मैं अमेरिका गया हुआ था, एक तकरीर सुनी और वहाँ उनकी किताब एक थी। मैं वहाँ से वो किताब लेके आया और शाम को फ़ोन किया मैंने चौधरी साहब को। जब मैं वापस आया तो मैंने कहा ये राजभवन साहब का गांधी की किताब है, तो मुझे पता नहीं था इतना अच्छा लिखते हैं और मुसलमानों के मामलों पर लिखते हैं। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में मुझे और 3 किताबों के नाम बताए राजभवन गांधी साहब के, कहा जो मैं पढ़ चुका हूँ। ये बहुत इलिम दोस्त थे और वो पहलू मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो जो लाइब्रेरी यहाँ बनी है इसमें एक सीरीज़ है इंडियन एंटिक्विटी पर। हिंदुस्तान में 5-6 लाइब्रेरीज़ होंगी जिसमें ये पूरी सीरीज़ होगी। इनका किताब शनासी का जो सिलसिला था वो मेरे ख़्याल में अनपैरेलल्ड था। बाकी बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह से दुआ करें कि सेहतमंद हों फिर अपना काम शुरू करें। मैंने आज देखा बड़े कोहरेंट हैं बात करने में, मेमोरी भी बाकी चीज़ें भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको ज़िंदगी और कुछ मौका देगी ऐसे ऐसे काम करने के लिए। शुक्रिया। हाँ मेरा नाम ज़फर शाह है। गोजरी में बोल रहा हूँ। नहीं, हाँ जिसमें मर्जी बोलो। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है, मैं जर्नलिस्ट हूँ एक,
20 साल से 21 साल से मुझे इस बात का फ़ख्र है, बड़ी खुशी है इस बात की कि ये जो गुजर कौम है इसमें से शायद मैं पहला जर्नलिस्ट हूँ जो मुसलसल 20 साल से इस पेशा में काम कर रहा हूँ। मैं मेरे नोटिस में नहीं है कि इससे पहले इतने लंबे वक्त तक किसी ने काम किया हो। आप नौजवान लोग आ रहे हैं, मैं मुख्तसर बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं 20 साल तक इस पेशा में टिक पाया हूँ तो मसूद साहब उसकी एक ख़ास वजह रही हैं। मेरे शायद सहाफ़त ज्वाइन करने के शुरू के 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही मेरी मसूद साहब से मुलाकात हो गई थी, जब उन्होंने पढ़ा मेरे बारे में कहीं पर। तो 2-3 महीने इसलिए लग गए थे क्योंकि वो पहले तहकीकात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि ये दरअसल गुजर है भी है कि नहीं। जब उनकी ये तहकीक मुकम्मल हो गई, किसी प्रोफेसर ने मेरे कागज़ अटेस्ट किए हुए थे, उसने सर्टिफिकेट देखा था, तब जाके वो मुतमईन हुए, तो फिर हमारी मुलाकात हुई। मेरा ये सफ़र उनके साथ 20 साल का है, मैं बहुत मुतासर रहा हूँ। और मुझे एक मौका मिला है मुल्क को देखने का, दुनिया को देखने का। बहुत सारे जो लोग जिन्होंने कम्युनिटीज़ के कंट्रीब्यूशन किए हैं उसके बिना के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से जिस तरह से मसूद साहब ने अपनी कौम के लिए, लोगों के लिए काम किया है, हिंदुस्तान भर में उनका नाम जो एजाज़ उनको मिलना चाहिए था, शायद वो रिकग्निशन नहीं मिली, लेकिन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ऐसे बहुत सारे लोग कम हैं जिन्होंने बिना किसी ज़ाती मफाद के कौम के लिए इस कदर काम किया हो। शुक्रिया जनाब। जनाब शेख शकील अहमद, जम्मू से वाबस्ता हूँ। मसूद चौधरी साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा। जो मसूद साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी खिदमात हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए कोई 5 दिन का फेस्टिवल अगर रखा जाए तो मुझे लगता है वो भी कम होगा। मसूद साहब ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया बतौर पुलिस आफ़िसर, और जो अल्लाह ने उनके अंदर ये सोच डाली कि अपनी जो पसमानदा जो उनकी कम्युनिटी थी कि उस कम्युनिटी को सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली किस तरह उसको अपलिफ्ट करना है, कैसे उसके लिए मैंने लोगों को इकट्ठे करना है, और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मसूद साहब ने गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसे कहते हैं कि मैं कहूँगा कि एस्टैब्लिश किया, और किस तरह से उन्होंने समाज के मुख्तलिफ जगहों से लोगों को इकट्ठा किया, सियासी, समाजी, उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन इस ट्रस्ट के, मैं ये कहूँगा कि खेमे के अंदर उन्होंने तमाम लोगों को इस चीज़ पे सोचने के लिए मजबूर किया कि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, यकजा नहीं होंगे, तब तक हम अपनी जो पसमानदा कम्युनिटी है उसकी तालीम का कोई सिलसिला नहीं बना पाएंगे। आज आप ये देख रहे हैं कि ये खेमा नहीं रहा है, ये एक माशाल्लाह एक मरकज़ बन चुका है हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की, या जिसे हम यूनियन टेरिटरी आजकल कहते हैं। सबसे बड़ा खराज तहसीन मसूद चौधरी साहब को यही है कि जो आज आपने देखा कि जिस तरीके से, मैं ये समझता हूँ कि 3-3.5 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस थी हाल में, लोगों ने खुलकर जो उनकी खिदमात हैं उस पर उनको खराज तहसीन पेश किया, और आपने देखा कि वो खुद भी इमोशनल हो चुके थे जब उन्होंने खुद भी बात रखी, तो उन्होंने खुद भी कहा कि उनको ज़िंदगी में अब कोई रिग्रेट्स भी नहीं है और उनको होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ही हैज़ बीन एन अचीवर फ्राम द डे वन। तो मैं खुद उनसे बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ उनकी क्वालिटी से, जो उनका काम है। यही दुआ कर सकते हैं कि एक मसूद चौधरी नहीं, इस कम्युनिटी में और भी मसूद चौधरी, और जो आज का उनका जो तकरीर थी, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, गरीब लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, पसमानदा अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन की उन्होंने नुमाइंदगी हमेशा की है। तो हम आखिर में यही, मैं ये कहूँगा कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको ट्रस्ट ने दिया है, और सबसे अहम बात यह है कि हम सब लोग उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआगो हैं। शुक्रिया। खालिद, मैं पहले खालिद हुसैन साहब, नाम खालिद हुसैन साहब, पंजाबी राइटर हैं। मैंने बहुत चंगा लगे जी, मेरे दोस्त हैं और बड़ी लंबी चौड़ी दोस्ती आई दी नहीं, जदों SP होंगे सन उदों लैके अज तक असी एक दूजे नाल जुड़े दे हैं, दोस्ती निभाने हैं, अक्सर महफिलां जमदियां ने,
उन्होंने घर कभी मेरे कभी कि और इस तरह ही उन्होंने जी शख्सियत एक दोस्ताना लेकिन इसके अलावा जी अपनी कम्यूनिटी वास्ते खास तौर पर गुजर बकरवाल कम्यूनिटी वास्ते जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन है उन्हों ये समाज जरा गुजर और खास तौर पर बकरवाल समाज जरा कभी नहीं भुल सकता और सिर्फ गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर के वास्ते तो उन्होंने जो किया सो किया लेकिन मेन स्ट्रीम जरा जोड़िया जरा हिंदू गुजर है जरा सिख गुजर है जो दूजे स्टेटा च रहा है गुजरात रहा है राजस्थान रहा है हरियाणा च रहा है पंजाब रहा है उन्होंने इतने तो गुजर जोड़ना नहीं तो लोग आम तौर समझे सर गुजर सिर्फ मुसलमान ही हैं लेकिन चौधरी मसूद ने यह साबित किया कि बुनियादी तौर पर असी भी कन्वर्टिड हैं उन्होंने गुजरों तो ही जोड़े के राजस्थान सन या जोड़े के पूरे पंजाब भावें पाकिस्तानी पंजाब हो हिंदुस्तानी पंजाब हो या जो हरियाणा का इलाका है या गुजरात का इलाका है और ये बाकायदा एक बड़ी वारियर कौम सी वक्त के नाल नाल जिस तरह जवाल आता इस कौम में भी जवाल आया और ये लोग जड़े ने बाद नुमैट बन गए माल मवेशी पालन लगे लेकिन उन्होंने दोबारा लियाना उन्होंने दोबारा उस अपने जड़ा उन्होंने पिछोकड़ है उन्होंने वाले पासे लियाना उन्होंने तालीम वाले पासे लियाना अगे लियाना और मैं तो समझना कि इस कौम को तालीम दिलवाने दे विच इस शख्स ने उही काम किया जो सर सैयद ने टोटल मुस्लिम कौम वास्ते पूरी मुस्लिम कौम वास्ते उस जमाने में जिस वेले अंग्रेजी का बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई थी बड़े सगीर दे विच तरक्की करने वास्ते उही रोल चौधरी मसूद ने मैं तो उन्होंने कहना कि वह सर सैयद सानी है कि उस शख्स ने उही रोल अदा किया अपनी कम्यूनिटी सिर्फ अपनी कम्यूनिटी वास्ते नहीं तुसी देखो अज अगर ये स्कूल है जरा ब्रिगेड खुदा बख्श हायर सैकेंडरी स्कूल है उस सिर्फ तुम्हें गुजर बच्चे नहीं मिलने वो तो दूजे मुसलमान बच्चे भी मिलने हिंदू बच्चे भी मिलने जोड़े यानी बहुत गुरबत की सतह तो हेठा रहने वाले बच्चे वो भी पढ़े करते हैं तो ये बहुत वो कंट्रीब्यूशन है ये जी बिल्डिंग असं दे करने जिन्हों डॉक्टर करण सिंह कहना कि मेरे महल के बाद यह दूजा महल है तो ये उसने कौम के उपर बोझ नहीं पाया उन्हें सरकार को पैसा लिया बड़े बड़े अफसर को पैसा लिया मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर को MLA को मैंबर पार्लीमेंटा को और पैसा लैके इन्नी वड्डी शानदार एक एक जड़ी एक असासा बना दिता गुजर कौम वास्ते ते असी मतलब ये समझने कि वह लिविंग लीजेंड है इस वे रब नूं सेहत देवे तंदुरुस्ती देवे और बहुत वड्डा आलम आदमी उन्हें यानी मजहबियात पर जिहड़ियां किताबां उसने पढ़िया या लिटरेचर जो वो जानता बहुत घट लोगों को पता कि बहुत बहुत वधिया लिटरेरी परसनैलिटी है वो अपार्ट फ्रॉम के भाई वो पुलिस च रहा पुलिस जो महकमा जिद अक्सर कोई अच्छी नज़र ना ही जिस महकमे में देखा जाता उस महकमे च भी रह के उसने अपनी इलमी जोक न और जरा जी सोच सी भाई अपनी कौम उपर चुकन की वो कभी भी एक लम्हे वास्ते भी उस गाफल नहीं रहा हमेशा वो जहन च रही और फल जरा अज इन पूरी कौम जी है न फकत सिर्फ गुजर बकरवाल कौम बल्कि पूरी जम्मू के जिन्हें भी लोग रहने वाले वो इसका फायदा चुकनगे मैं उन्होंने सेहतमंद जिंदगी वास्ते दुआ करना शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आज मसूद चौधरी साहब को तो मैं मैं हरिचंद झलमेरिया एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट में जम्मू में मसूद चौधरी साहब को तो हम जानते हैं जब ये DIG जम्मू थे तो उनका जो कंडक्ट था उस वक़्त भी लोगों से कितना पोलाइट था और अभी रिसेंटली 2 साल पहले जो यूनिवर्सिटी बनाई है रजौरी में बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी वो देखने का मौका मिला तो वो इतनी प्यारा उसका आर्किटेक्ट देखा कि नेचुरल ब्यूटी वैसे की वैसी प्रिजर्व्ड है और बिल्डिंग्स इधर उधर बना कर के वो बड़ी प्यारी चीज़ है और ये जो गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है ये तो एक इसकी लाइब्रेरी हमने देखी पिछले दिनों हमने यहाँ मीटिंग की और किताबें देखी और यहाँ पर जो फोटोग्राफी करके जो गुजर कौम को यहाँ दर्शाया गया है मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जो गुजर कौम है ये इस जम्मू कश्मीर जो रियासत हुआ करती थी हम आज भी उसको रियासत ही मानते हैं
उसके सही जो प्रिजर्व किया है वो गुजर कौम ने किया है। गुजर कौम ही मूव करती थी, आज भी करती है, और हमारी सरकार का दफ्तर भी 6 महीने मूव करता है। वो उसको अगर कल्चर को बचाया है कहीं पर तो वो गुजर कौम ने बचाया हुआ है, और उस गुजर कौम को तालीम का रास्ता दिखाने में जो मसूद चौधरी साहब ने जो काम किया है, ये सिर्फ यहाँ के गुजर कौम की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में और बल्कि पाकिस्तान में भी जो गुजर कौम है वो यहाँ से लाइट ले सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया है। हम तो बड़े उनकी इस मामले में तारीफ करते हैं, और बल्कि हम जब हमने पिछले दिनों यहाँ मीटिंग की तो हमारे साथ राजपूत भी आए हुए थे, कुछ महाजन भी आए थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम्हारी भी बरादरियाँ हैं, तुम्हारी भी समय हैं, ज़रा इधर से सीख लो कुछ। और सभी ने ये मानना कि हमें कुछ सीखना पड़ेगा अब गुजर कौम से। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जमील काजमी, जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके अलावा एडवोकेट हूँ भाई प्रोफेशन। चौधरी मसूद साहब जो हैं उनको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो DSP के तौर पे जब आए थे। मेरे वालिद साहब उन दिनों उनके पास ये एज ए प्रोबेशनर आए, और जब ही मेरे साथ तारुफ हुए तो ये बड़े हमागीर ये शख्सियत थे कि इनमें बात करने का बड़ा एक असलूब और चीज़ों को समझने का और समझाने का जो है एक नई तर्ज थी इनमें, जिससे हम मैंने भी इनसे काफ़ी बातें जो हैं वो सीखी। तो उन दिनों तो मैं भी स्टूडेंट था, उसके बाद इनको एज ए DIG और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का के वाइस चांसलर के तौर पे भी देखने का मौका मिला। तो चूंकि इनमें फहमो फरासत और इल्म दानिश जो है वो उसमें कूट कूट के भरी हुई थी, और वैसे भी जो गुजर लोग हजरात हैं उनमें अगर हम ये देखें तो उनमें कल्चर और तहजीब तो ये बदरजे उत्तम तमाम मुसलमानों के ज़्यादा है। इसलिए कि आप देखें कि इनके रवायत ड्रेस कोड जो है जो गुजर लोग पहनते हैं वो इस हकीकी मानों में इस्लामी है। यहाँ तक कि इनके नाम जो हैं वो भी इस्लामी नाम हैं, जबकि दूसरे जितने भी लोग हैं तो उनमें ये बातें जो हैं मफकूद हैं। तो इस तरह से मैं उनके शख्सियत से बहुत मुतासिर रहा हूँ, और जब ये इन्होंने यहाँ पे जो ये गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया तो उस ज़माने में मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ। उन दिनों मैं जर्नलिस्ट था वकालत करने से पहले, तो ये बड़ी हमें सभी को प्रेरणा मिलती है, बल्कि जितनी भी मुख्तलिफ जो हैं सब तंजीमें हैं जो मुसलमानों के नाम से चलाई जा रही हैं उनमें किसी में भी इतनी कैपेसिटी, इतना शऊर और इतना जज्बा नहीं है कि वो अपना तशख्स अपनी ज़ात को उभारने का और अपनी कौम को की तरफ जो उनका मिलान है और उसको बढ़ाने का। तो ये चौधरी मसूद साहब जो हैं उसके लिए एक रहबर जो हैं साबित हुए हैं कि उन्होंने कौम की भी रहबरी की है, अपनी इस्लाम की भी रहबरी की है, और जो यहाँ पे ये हमें एक ये गिफ्ट दिया है चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, ये बहुत ही काबिल तारीफ। शुक्रिया बहुत। ये अमीर चौधरी हैं लवली जी, ये चेयरमैन हैं गुजरदेश चैरिटेबल ट्रस्ट के। मैं हमीद चौधरी, चेयरमैन गुजरदेश चैरिटेबल ट्रस्ट। आज का जो प्रोग्राम हमारे गुजरदेश चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑडिटोरियम में मुनक्कद किया गया था, ये डॉक्टर मसूद चौधरी साहब की बायोग्राफी जो लिखी गई थी उसके मुतालिक था, और जिसमें हमारे इस फंक्शन के जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, और उनके साथ बहुत सी बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ और बहुत मसूद साहब के साथ जो ज़िंदगी में हम सफ़र रहे हैं और चले हैं, जहाँ उनके साथ नौकरी की है, जहाँ उनके साथ दोस्ती है, उन सबको हमने दावत दी। तो तकरीबन बरादरी के जो चीदा चीदा लोग पूरी रियासत से यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और बहुत ही कामयाब फंक्शन हुआ। और आज उनकी ज़िंदगी पर जो किताब लिखी गई थी वो रिलीज़ की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हाथ से, और हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ की। बतौर चेयरमैन और जितने मेरे ट्रस्टी साथी हैं, हम सब की तरफ से ये पूरी आवाम को और
सबको मुबारकबाद देते हैं कि हमारा ये बड़ा ही एक ख़ास दिन था आज के लिए, ये हमारी गुजर कौम के लिए फ़ख्र की बात है कि आज चौधरी मसूद साहब जो हैं उनके बारे में जो किताब लिखी थी वो रिलीज़ हुई गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। डॉक्यूमेंट रेडी सर? नहीं, मैंने बोलना नहीं। ये हैं जो कि एक KPS ऑफिसर हैं हमारे, SSP हैं JK पुलिस में, लेकिन ट्रस्टी भी हैं GDCT के। तो मसूद चौधरी साहब के बारे में बोलने के लिए बड़ा वक्त चाहिए जो शायद इस वक्त है नहीं है हासिल। मसूद चौधरी साहब एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। पिछले 30 सालों से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस महकमे में भी साथ साथ काम करते रहे, उनके अंडर भी रहे और उनसे सीखा। और यहाँ जो ट्रस्ट बनाया है शुरुआत से लेकर आज तक हम जुड़े रहे। तो उनको मसूद चौधरी साहब जो हैं जैसे शख्सियात जो हैं वो सदियों में कहीं एक बार पैदा होते हैं और ये अल्लाह ताला पैदा करता है और कोई काम देता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से काम लेता है। उनसे अल्लाह ताला ने ये काम लिया है कि जो सोसाइटी में पसमांदा तबके थे, बिलखसूस गुजर कम्युनिटी जो हर लिहाज से पसमांदा थी, उसको उठाने में, उसको एक कॉन्फिडेंस देने में, उसकी तालीम और तरबियत देने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है। उनके हर कदम से कम्युनिटी के लिए जो दर्द था वो झलकता था और हम महसूस करते थे। और उन्होंने जो खिदमात कम्युनिटी के लिए दी हैं, खासकर जब समाज में गोजरी बोलना एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समझा जाता था और उन्होंने समाज में ये चीज़ें जो थी वो कॉन्फिडेंस लाया, उन्होंने बताया कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं और अगर हम तालीम की तरफ तवज्जो दें और हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। और आज उसका सिला जो है वो आप देख रहे हैं कि इस कम्युनिटी में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे अच्छे उर्दू पर भी फाइज हैं। और जम्मू शहर में ये जो ट्रस्ट बनाया, ये कोई सोच भी नहीं सकता कि तने तनहा उनके जहन में ये चीज़ आई और फिर कितनी मेहनत मशक्क़त। मैं गवाह हूँ इस बात का कि जब से ये इसका काम शुरू किया उन्होंने कोई एतवार कोई छुट्टी इस जगह के अलावा इस काम के अलावा कहीं और सरफ नहीं की है। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। वो दिन रात पुलिस में भी जब थे तो उनमें प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन कूट कूट के भरा हुआ था। रातों रात वो गजेटेड अफसर थे, रातों रात सोते नहीं थे और जो उनके सबॉर्डिनेट थे उनको भी उन्होंने जो सिखाया है उसका कोई मुकाबला नहीं है, किसी से भी आप पूछो। तो हमारी दुआ है कि मसूद चौधरी साहब को अल्लाह सेहत याद करे और लंबी ज़िंदगी दे और हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, हासिल किया है। थैंक यू। मैं अरशद चौधरी, मेंबर गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, आपसे ये कहना चाहूँगा कि मसूद चौधरी साहब की शख्सियत हमारे लिए तो फादरली फिक्र है, पूरी कौम के लिए जो रहनुमाई उन्होंने कौम की है शायद ही को कर पाएगा। उन्होंने हर फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में एक इंस्टीट्यूशन कायम किया जिससे बहुत सारे लोग मुस्तफीद हुए और गुजर कौम को एक नई दिशा दी, नई डायरेक्शन दी, नई लाइन दी, लोगों में एक इत्माद पैदा किया। और जिस यहाँ पे आज हम खड़े हैं गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में, इनको बनाने में उनकी रहनुमाई में हम सब लोगों ने उनका साथ दिया। मसूद चौधरी अपने आप में एक इदारा है, वो गुजर कौम की शान है। उन्होंने हमेशा ही अपनी ज़िंदगी गुजर कौम के लिए और इस ट्रस्ट के लिए वक्फ की। शुक्रिया। जी 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 रेडी सर। हां मैं शाम में नहीं, आज तो जो बोलूं इसके बारे में मसूद चौधरी साहब नाल मैं उदे बोला उर्दू च। मसूद चौधरी साहब से मेरे ताल्लुकात साल 1982 में शुरू हुए जब मैं एक तालिबे इल्म था
वो उस वक्त उसके बाद मसूद साहब एसएसपी जम्मू लगे तो मेरा उनके साथ आना जाना रहा। 1991 में हमने मिलके मसूद चौधरी साहब की सदारत में यहाँ गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और तब से ले कर हम मसूद साहब के साथ मुंसलिक रहे। जहाँ तक मसूद साहब की ज़ात का ताल्लुक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने लॉ की डिग्री जम्मू यूनिवर्सिटी से हासिल की तो मैं मसूद साहब के पास आया तो मसूद साहब ने मुझे पूछा कि देखो, अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो फिर एक नौकरी की तरफ आप चले जाओ, लेकिन अगर आप वकालत करना चाहते हो तो फिर वकालत की तरफ जाओ, लेकिन दो किश्तियों पर पाँव नहीं रखना, आप एक प्रोफेशन को पकड़ो जहाँ आप जाने चाहते हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं वकालत करना चाहता हूँ। तो मसूद साहब ने सबसे पहले मुझे एमसी छागला की किताब जो है रोजेज़ इन दिसंबर, वो मुझे अपने पास से दी उन्होंने कि आप इस किताब को पढ़ो अगर आपने एक अच्छा वकील बनना है, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है, ये उस शख्स की चीफ जस्टिस की किताब लिखी हुई है मोहम्मद करीम छागला की, जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जूनियर थे, जो 8 साल ब्रीफ रेस लायर रहे, उसके बाद उन्होंने मेहनत की और वो चीफ जस्टिस ऑफ यहाँ चीफ जस्टिस बम्बे हाई कोर्ट बने, वो हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर रहे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे। तो उन्होंने मुझे वकालत में लाने के लिए मसूद साहब ने मुझे बहुत यानी कि इनकर्ज किया, मेरी हौसला अफजाई की कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आप इसमें जाइए। तो उनके उनकी जो उस वक़्त की मुझे सलाह थी उसे मैं ये समझता हूँ कि आज मैं अगर इस प्रोफेशन में कामयाब हूँ अपनी वकालत में तो इनमें मसूद चौधरी का भी बहुत बड़ा रोल है ना। ये तो मेरी एक ज़ाती बात रही। उसके साथ साथ हमने मसूद चौधरी के साथ रह के हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे यूं जो यहाँ पे हमारे ट्रस्ट में लोग आते गए, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन हुआ उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब गुलाम रसूल साहब आए, उसमें हमें ट्रेनिंग करवाई गई कि कैसे इनको रिसीव करना है, कैसे कि मैं तो स्टूडेंट था उस वक़्त। और सबसे बड़ी बात कि मसूद चौधरी साहब ने हमारे जम्मू के सांबा के कठुआ उधमपुर रियासी जो ये हम यहाँ बहुत ही अकलीत में गुजर थे, हमें एक उन्होंने अपनी पहचान दिलाई। सबसे पहले मसूद साहब ने हमें गोजरी पगड़ी बांधना सिखाई कि ये एक हमारी पहचान है, और हमें अपनी ज़ुबान बोलने के लिए उन्होंने हमें कहा कि भाई सबसे पहले आप अपनी ज़ुबान जो है ये परफेक्ट बोलो, अच्छे तरीके से बोलो ताकि आपकी पहचान रहे। तो मसूद चौधरी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत, वो बहुत बड़ी खूबियों के मालिक हैं, उन्होंने उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट या हमारा जो ब्रिगेडियर खुदाबख्श पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है, हमारा हेरिटेज सेंटर है, हमारी लाइब्रेरी है, या जितना भी गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का जो असेट्स हैं, ये मैं समझता हूँ कि मसूद चौधरी साहब की ज़ाती कोशिशों की वजह से आज ये इतना बड़ा जो अंपायर खड़ा हुआ है ये उनकी बदौलत है। और सब लोगों ने मिल के उनको बड़ा मान के, अपना सरपरस्त मान के, रूए रवा मान के उनकी सदारत में हमने काम किया, और उन्होंने भी हमें अपने बच्चों की तरह अपने साथ चलाया। तो मसूद साहब जैसी हस्ती से, उनकी बड़ी शख्सियत से हमने बहुत कुछ सीखा। मसूद साहब का मतलब बड़ा वसी था, वो हमेशा हमें देखिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने यहाँ बनाई, ये हमारे लिए बनाई थी कि आप लोग सीखो, ये किताबें हैं इनको पढ़ो, तो ये एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी हमारे पास है। हमेशा ही हमारी गुजर कौम के जो नौजवान हमारे उनके पास जाते थे तो वो उनको बड़ा उनकी हौसला अफजाई करते थे, उनको इनकर्ज करते थे कि आपके लिए बड़ा वसी मैदान है, आप चलिए पढ़िए और यहाँ तरक्की करिए। तो मैं समझता हूँ कि आज मसूद साहब को हम यहाँ उनकी किताब जो आज रिलीज़ हुई है, उनका किताब का अजरा हुआ है, उसमें हम सब लोग आज मसूद साहब को यहाँ मुबारक देने के लिए आए हैं, तो उनको मुबारक भी देते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि मसूद साहब की सेहत जो है अल्लाह ताला उनको ठीक करे। और मैं समझता हूँ कि मसूद साहब की किताब हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसले राह है, नई जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो उनके ज़िंदगी को पढ़ेंगे कि कहाँ वो कालाबंद से ज़िला पूंछ के एक रिमोट गांव से चलकर पढ़कर फिर एमएम कॉलेज में आए, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की, उसके बाद यहाँ पुलिस सर्विसेज में आ गए, पुलिस सर्विसेज में वो ADGP तक पहुँचे, उसके बाद यहाँ डायरेक्टर बने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के, फिर वहीं फाउंडर वाइस चांसलर बने। तो मैं समझता हूँ कि मसूद चौधरी साहब का जो सोशल सर्कल है, जो उनके एडमायरर्स हैं,
जो उनके फ्रेंड्स हैं उनकी एक बहुत वसी तादाद है। तो आज सब लोग जो हैं उनको मुबारक देने के लिए यहाँ आए थे, और मैं समझता हूँ कि मसूद साहब ने ना सिर्फ गुजर कौम का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर के गुजरों का, बल्कि हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई गुजर हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे मरासम थे, बहुत अच्छे तलुकात थे। वो पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ गुजर्स हैं, हिंदू गुजर्स, उनमें जाते थे और वहाँ भी उनका यही उनको रहता था, जोर रहता था कि गुजर कौम जो है इसको तालीम ही एक ऐसा जेवर है जो इनको आगे ले जा सकता है। तो उन्होंने तालीम के मैदान में, अपने सियासी मैदान में, समाजी मैदान में मसूद साहब का जो रोल है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के गुजरों के लिए और ख़ासकर हमारे मुल्क के लिए, वो बड़ा कलीदी रोल मसूद साहब का रहा है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मसूद साहब का और आप सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं तारिक हुसैन इब्रार गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का मेंबर भी हूँ, और मेरा जो मसूद साहब को देखने का नज़रिया है वो एक बाकी लोगों से हट के है। मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी सोच को नौजवानों में मुंतकिल करना चाहते हैं, क्योंकि जो नौजवान हैं कौम का असासा हैं, तो उनका जो विजन है कि नई नस्ल तक उनकी जो खिदमात हैं वो एक किताब की सूरत में, उनके जो तजर्बात हैं उनको उन्होंने कलमबंद किया है। तो ये किताब जो आज इजरा हुआ है जिसका, तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगा। तो जो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट है एक बहुत बड़ा इदारा है जो गुजर कौम की फलाह बहबूद के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, इससे पहले भी किया है और आइंदा भी किया जाएगा। तो जो मेरे साथी, मुझे ये फ़ख्र महसूस होता है कि जो मिशन कालाबंड की पहाड़ियों से, रिमोट एरिया से शुरू हुआ, उन मसूद साहब ने जो सोच एक दिया रोशन किया है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि जम्मू सरमाई राजधानी का है, यूटी की, तो यहाँ से बासानी गांव-गांव तक ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की का जो मिशन है पहुँचेगा। हर गांव से, हर इलाके से रिप्रेजेंटेशन मसूद साहब ने दी है, ताकि यहाँ जो गुजर कौम बहुत ही पसमानदा है, उन तक जो पढ़े लिखे लोग हैं कौम के, वो खुद जाके जो हमारे नोमैड्स हैं उन तक ये तालीम का जो है बेड़ा, जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं, ताकि जो गुजर कौम है बाकी तरक्की याफ्ता कौमों की तरह आगे बढ़ सके। थैंक यू। मसूद साहब के बारे में बोलिए, नहीं उर्दू में बोलो ना। मैं बिलाल अहमद चौधरी, मैं यहीं पर केवी पब्लिक स्कूल से मैंने अपनी तालीम हासिल की है। 2003 में मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था, तो 2017 तक ये इतना लंबा सफ़र रहा केवी पब्लिक स्कूल में। इसमें जो हमें एक मोटिवेशन की जो किरण जो हमें नज़र आती थी अपने स्कूल में, वो वाहिद एक इंसान थे, वो थे चौधरी मसूद साहब। तो अब वो कहते हैं, दोबारा करें, नहीं मैंने वो टाइम पीरियड भी बताया ना कि इस दौरान के बीच में। चलो। मैं बिलाल अहमद चौधरी, मैं यहीं पर के पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ। 2003 में मैंने के पब्लिक स्कूल को ज्वाइन किया था और टिल 2017। तो मैं आपको बताऊँ कि इस स्कूल का सफ़र बड़ा शानदार रहा, और हम यहाँ पर जैसे मतलब हमारे लिए हर एक के लिए एक रोल मॉडल होता था स्कूल में, कि जनाब हमें ये बनना है, हमें उसके जैसा बनना है, हम इसके जैसे बनना है। और ऐसी बात नहीं है कि आज उनकी किताब रिलीज़ हो रही है तो मैं उस पर बोलूँगा, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था पापा को, मैंने कहा मैं बनना मसूद साहब की तरह बनना है, अगर बनना है तो मसूद साहब की तरह, वरना बनना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम बनेंगे उनकी तरह या कुछ भी, एक बात आप भी और हम भी ये समझ के चलें कि मसूद साहब के जैसा कोई और नहीं होगा। और जितनी मेहनत मसूद साहब ने यहाँ पर की है, मैं नहीं मानता कि अगर मसूद साहब नहीं होते यहाँ पर तो उनके अलावा ये
ट्रस्ट का क़याम हो सकता था या कहीं कर भी। मैं वहाँ पर अंदर जाकर देख रहा था लाइब्रेरी में कि जैसा मतलब उन्होंने उनका जिससे वो मिले हैं जाकर या जिससे उन्होंने जो फंड्स की जहाँ से वो लाए हैं, आप उनका विजन देखें। आप चले जाएं जम्मू को तो आप छोड़ें, मैं तो जम्मू को, आप बात करें कालाबन की। मसूद साहब जिस वक्त वहाँ से निकल कर गए, वहाँ पर सड़क अभी 2016-17 में गई है शायद, तो आप वो अंदाज़ा लगाएं कि मसूद साहब वहाँ से कब आए, उनका कब का विजन रहा। और यहाँ से जम्मू में भी नहीं, यहाँ से डायरेक्ट अलीगढ़, वहाँ से पढ़कर वहाँ से आकर यहाँ पर किया। लोगों का क्या होता है, मैंने जितना अपने वक्त में देखा है, लोग सर्विस से निकल, बहुत सारे शख्सियत जो हैं वो रिटायर हुई हैं, लेकिन मसूद साहब एक ऐसे शख्स है जो अभी तक रिटायर नहीं हुए। उनका मेन मोटिव है कि हमने अपनी कौम को बनाना है जैसे भी हो। हम यहाँ पर देखते हैं, हम अपने बच्चों की जब बात करते हैं कि हमारा बच्चा उधर जाए, हमारा बच्चा उधर जाए, उधर पढ़े, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े। मसूद साहब का एक बहुत ही शानदार एक जो नारा रहा है वो ये रहा है कि हमारी जो कामयाबी है वो कब होगी, अपने बच्चों को पढ़ाने में नहीं, जब हमारी कौम का कोई एक शख्स, कोई एक बच्चा हम तैयार करेंगे। मैं नहीं मानता कि मसूद साहब के अलावा किसी का ये विजन रहा हो, और अगर किसी का रहा होता तो मैं आपको बताकर चलूं कि जम्मू में गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे हज़ारों ट्रस्ट होते, जो कि नहीं है, जो कि एक ही है और वो मसूद साहब का है। थैंक यू, शुक्रिया। करें आन नाजरीन आदाब, आज को गुजरी प्रोग्राम ले गया जावेद राई जी, थारी खिदमत में हाजिर है, दोबारा ले लें भैया। नाजरीन आदाब, आज को गुजरी प्रोग्राम ले गया जावेद राई, थारी खिदमत में हाजिर है, जिस तरह के जाने नाजरीन आदाब, आज को गुजरी प्रोग्राम ले गया जावेद राई, थारी खिदमत में हाजिर है, जिस तरह के तम जाने कि अपना इस प्रोग्राम में हम बख बख इंटरव्यू पेश करा, फील्ड विच प्रोग्राम ले गया पेश करा, डॉक्यूमेंट्री पेश करा। इसी सिलसिले में आगे बताता हूँ, आज हम मसूद चौधरी साहब जेड़ा कि वाइस चांसलर रहा है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का, पैटर्न ने गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का, और फार्मर IPS ऑफिसर हैं, उन्हें किताब जड़ी है वो आज रिलीज़ होने जा रही है, और इसमें बड़ी तादाद में जड़ा है लोग गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में पुजे हैं, और इसके ऊपर हम एक रेडियो रिपोर्ट जड़ी है, इसके ऊपर जड़ी है हम एक रिपोर्ट पेश करांगा आज का इस प्रोग्राम में, और बख बख जड़ा मेहमान आया हमें उन्होंने हमने गलबात भी की है, वह थारे सामने पेश करांगा। तो पेशे खिदमत है आज की यह खास रिपोर्ट मसूद साहब की जड़ी किताब है उनका फन शख्सियत के बारे में, उसकी रस्म इजरा के ऊपर यह रिपोर्ट दोबारा ले लें। एक मिनट शुरू। नाजरीन आदाब, आज को गुजरी प्रोग्राम ले गया जावेद राई, थारी खिदमत में हाजिर है, जिस तरह जे तम जाने कि हम अपना इस प्रोग्राम में फील्ड विच भी प्रोग्राम ले आ गए पेश करा। इसे सिलसिले में आगे बताता हूँ, अज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में जो प्रोग्राम हो मसूद चौधरी साहब जेड़ा कि फार्मर वाइस चांसलर हैं, और उसके नाल नाल गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का रूए रवाएँ पैटर्न ने उन्हें ये किताब जड़ी है रिलीज़ हुई है, मसूद चौधरी शख्सियत ते उनका जेड़ा कारनामा है उनका बारे में। इस मौका के ऊपर बहुत सारा जेड़ा लोग मौजूद था, और हमारी टीम ने जो है वो इसके ऊपर एक खास रिपोर्ट जड़ी है वह बनाई है, वह थारे सामने पेश कर रहे हैं, पेश खिदमत है रिपोर्ट। ठीक है, हो गया ना? अब मसूद, अच्छा दोबारा सारा फाइनल वाला। नाजरीन, यह थी एक रिपोर्ट मसूद चौधरी साहब की जिंदगी, नाजरीन यह थी एक रिपोर्ट मसूद चौधरी साहब की जिंदगी के ऊपर लिखी गई किताब की इजरा की। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आई वैगी, अगले हफ्ते फिर वैगी मुलाकात, दियो इजाज़त, रब रखो। नाजरीन यह थी एक रिपोर्ट जड़ी के मसूद चौधरी साहब की किताब का रिलीज़ का सिलसिला में हमने बनाई थी। अगले हफ्ते फिर वैगी मुलाकात, दियो इजाज़त, रब रखो।